हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये है कि हमारे आईवीएफ का सक्सेस रेट किन बातों पर निर्भर करता है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कुछ लोगों में हाई होता है, कुछ लोगों में लो होता है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिसाइड होता है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होगा। सबसे पहले होता है कि महिला और पुरुष दोनों के अंदर पाए जाने वाले गैमीट्स की क्वालिटी क्या है, यानी अंडे की क्वालिटी क्या है, स्पर्म्स की क्वालिटी क्या है। तभी तो इस पर निर्भर करेगा कि भ्रूण यानी जो अंडे शुक्राणु से मिलकर बनने वाली जो एम्ब्रियो होते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आता है कि हमें देखना है कि बच्चेदानी की क्वालिटी कैसी है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे निर्भर करता है कि हमारे आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है। एग और स्पर्म की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जो कपल हैं उनकी एज क्या है। अगर एज 35 से ऊपर है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि अंडे और शुक्राणु की क्वालिटी थोड़ी लो हो जाती है, या फिर और किसी बीमारी की वजह से जो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी और प्रकार की बीमारी होती है जिसकी वजह से एग और स्पर्म की क्वालिटी समय रहते कम उम्र में भी कम हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके एग की क्वालिटी कैसी है, आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, और उससे बनने वाले सब्सिक्वेंटली जो एम्ब्रियोज हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, बच्चेदानी की क्वालिटी कैसी है। बच्चेदानी की क्वालिटी का मतलब है बच्चेदानी के अंदर पाए जाने वाली परत की क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, किसी प्रकार का एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो नहीं है जो कि जन्म से पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स है। एंड अबव ऑल ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस महिला और उस पुरुष का लाइफस्टाइल कैसा है, वो स्ट्रेस कितना अपनी लाइफ में देख रहे हैं, उनके खाने पीने की हैबिट कैसी है, अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि हमारे आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखें और समय रहते सही इलाज को चुनें। धन्यवाद।